ये रही मेडिसिन। अब ये गम कहाँ फेंकूं? अरे हाँ, आइडिया, हो जाए नोटों की बारिश। मजा आ गया। अब मुझे पता है कि मैं ये गम कहाँ फेंक सकती हूँ। आसान था। बाय लूजर्स। और ये रही क्लोई। हाँ, लगता है किसी चीज पर पैर पड़ गया। छी! अरे वाह, ये तो सिक्का है। आज तो लॉटरी लग गई मेरी। इसे जेब में रख लेती हूँ। और ये गम, ये तो अब भी अच्छी है। वेस्ट क्यों करूं? थलेवी, हम आपके लिए कुछ लाया है जी। अरे वाह, लेटर। हमें सुनहरी एनवेलप बहुत अच्छा लगता है। हम देखते हैं कि अंदर इसमें क्या है। ये तो पार्टी का इनवाइट है। ऊपर हम पहने का क्या? पार्टी में जाते वक्त बढ़िया ड्रेस होना जरूरी है। और अमीर लड़की को ये पता लगाना जरूरी है कि वो क्या पहनेगी। पर क्या उसे वक्त पर कुछ मिल पाएगा? ये कितना गंदा है, हम इसे नहीं पहन सकता। अब हम क्या करेगा? ओ जीसस, हेल्प मी। लगता है अप्पू स्वामी के पास बढ़िया आइडिया है। हम तैयार है। ये गन किस लिए है? तुम हमको मारना चाहता है क्या? ये है डॉलर्स की बनी हुई ड्रेस। अप्पू स्वामी जानता है कि उसकी थलेवी को खुश कैसे करना है। ये तुम्हारे लिए अप्पू स्वामी। सच में तुम्हारा जवाब नहीं, हम कितना ब्यूटीफुल दिखता है। पाजी, ये, वोहो। यहाँ सबका ध्यान मेडिसिन की तरफ है और क्लोई को पैसे कमाने के लिए यहाँ की सफाई करनी पड़ रही है। पर वो भी चाहती है कि लोग उस पर ध्यान दें। पर उसकी ड्रेस पार्टी के लायक तो बिल्कुल नहीं है। एक मिनट, मैं इससे कुछ बल्ले बल्ले कर सकती हूँ। अरे, ये क्या कर रही है? ओह, देखो तो कौन आया है। और उसकी ड्रेस बनी है कचरे की थैलियों से। अब सब उसके साथ ही पार्टी करना चाहते हैं। ओ शावा शावा, बल्ले बल्ले। लंच का वक्त हो गया है। देखो, माँ ने कुछ लिखा सी मेरे लिए। देखें कि ये लंच के लिए क्या लाई है। सैंडविच। और उसकी भी हालत काफी खस्ता लग रही है। छी, तुम ये खाने वाला है? तुम्हारा ब्रेड तो पूरा जला हुआ है। देखो, अब ठीक हो गया। बल्ले बल्ले, वाह वाह। अमीर लड़की देखकर बिल्कुल खुश नहीं हुई। देखें कि वो अपने लंच के लिए क्या लाई है। हेलो मदा, मैं आपके लिए क्या बना सकती हूँ? हमारे वास्ते कुछ बढ़िया बना। वाह, सुनहरा टेबल क्लॉथ। सच में एकदम फाइव स्टार लंच लगता है। ये क्या चीज है? सोना। ओके, तो आपके लिए मैं क्या बनाऊं मदाम? हमारे लिए बनाया जाए एक बर्गर। शानदार चॉइस है मदाम। कुक ने खाना बनाना शुरू कर दिया है। ये तो काफी ठोका पीटी का काम लग रहा है। अरे वाह, सुनहरा बर्गर। पर बेचारी गरीब लड़की का तो दिल टूट गया है। इतने शानदार लंच के सामने उसका जला सैंडविच एक मिनट भी नहीं टिक पाएगा। मजा आ गया। ये पोड़ा सबाटो। अब अमीर और पॉपुलर होना आसान नहीं है। अमीर लड़की को लोग एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ते। जिसे देखो वो उसके साथ तस्वीर खिंचाना चाहता है। ओ, बैटरी कम है, हमको क्या। अरे वाह, नया फोन, कितने लकी हैं। अरे ये क्या, ये लॉकर है या कोई टॉप सीक्रेट तिजोरी? वाओ, अब समझ में आ गया। और ये देखो, एक नया फोन। जब नया फोन इतनी आसानी से मिल जाए तो पुराना फोन चार्ज ही क्यों करे। हेलो हेलो, ओ जी, इस पुराने फोन से तो एक भी शब्द सुनाई नहीं दे रहा। ये क्या, फिर से बैटरी कम। पर इतने सारे फोन्स होंगे तो प्रॉब्लम होगी कैसे। वाह, गरीब लड़की के हाथ में एक नया फोन लग गया है। नया फोन, बल्ले बल्ले। अरे, पर इसकी किस्मत कहाँ साथ देने वाली है। साड़ी तो किस्मत ही खराब सी। ओ जी, ये तो टूट गया सी। अरे अभी हो जाएगी बल्ले बल्ले। भाई गुरु, इस बार नया पार करा दे। ये क्या हाल किया है, टूटी स्क्रीन भी इससे बेहतर लग रही थी। काम करे। ओहा, हेलो। ओए, लुक्स की किसे परवाह, चीज को काम करना चाहिए। स्कूल के कैफे में लंच का वक्त है और ये आ गया स्कूल का हैंडसम हंक लोगन। वाओ, अरे नाल देख रहा सी। ओए, मैंने तो शर्म मार रही है। हे, हमारे रास्ते से हटो। देखो तो उसे कितनी गंदी है, कपड़े भी कैसे पहने हैं। यू। लगता है आज किस्मत साथ नहीं दे रही क्लोई।
और जी पस करो तुसी। अरे वाह, प्लास्टिक का झाड़ू, बल्ले बल्ले, एक वधिया आइडिया आया सी। अरे ये क्या करने लगे? अरे वाह, कितनी कूल ड्रेस है। और यही नहीं, उसने अपने मोजों से हील्स भी बना ली है जो उसके मिनी स्कर्ट के साथ मैच हो रही है। एक मिनट, अभी तो एक काम और बाकी है। अजी वाह, अब मैं लग रही हूँ ना शानदार। कैसे हो दोस्त, क्या लुक है। इसे कहते हैं बदनाम। क्या ये सच में तुम हो ग्लोए? तुम हम सबको अटेंशन क्यों नहीं दे रहा है? हम जा रहा है। अरे वाह, जिसे देखो वो अमीर लड़की को घूर रहा है। आखिर वो है ही इतनी शानदार। बस हो गया। तो गर्ल्स, वाओ कितना बढ़िया पर्स है, इसे छूकर देख सकती हूँ? छूना मना है, हमारा पर्स बहुत एक्सपेंसिव है। अरे वो क्या था? अमीर लड़की को अभी अभी एक ऐसे पर्स के बारे में मैसेज आया है जो अभी अभी मार्केट में आया है। हमको यही मांगता। अप्पू स्वामी तो काम पर निकल चुका है। वाओ, हमको नया बैग मिला, अब हमें ये नहीं चाहिए। अरे वाह, मुझे बैग मिल गया। सारी गर्ल्स को अपना अपना मनचाहा बैग मिल चुका है, बस बेचारी गरीब क्लोई को छोड़कर। ये तो गिफ्ट बैग है। वाह, अब आया आइडिया बल्ले बल्ले वाला। पेपर बैग और पेंसिल, लगता है ये किसी के लिए तोहफा बना रही है। वो गरीब लड़की क्या करता? बेचारी ने अपने लिए एक पर्स बना लिया है। मजाक कर रहा है क्या? सच में बढ़िया जोक है। पर लगता है क्लास में बाकी सबको उसका बैग बहुत पसंद आया है। पर अमीर लड़की काफी जल भुन गई है क्योंकि अब कोई उसके महंगे पर्स की तारीफ नहीं कर रहा है। अरे लगता है शार्लेट को जुकाम हो गई है और उसकी नाक बुरी तरह से बह रही है। अच्छा, ओ नो, उसका टॉयलेट पेपर भी पड़ोसी के बेड के नीचे चला गया है। ऐसा मेरे साथ क्यों होता है भगवान? अरे हाँ, आइडिया, मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ जिससे मेरे पास टिश्यू कभी खत्म ही ना हो। सबसे पहले मुझे इसका कुछ आधार बनाना पड़ेगा, ये चल जाएगा। इसके बाद बनाना होगा इसका एक फ्रेम। हाँ ये ठीक है। अब भी कुछ कम है। अरे हाँ, सबसे जरूरी टॉयलेट पेपर। बस हो ही गया, अब मैं इसे सिर पर लपेट लेती हूँ। क्या आइडिया है शार्लेट, इस तरह जब तुम चाहो टॉयलेट पेपर खींच सकती हो। अब ना विक्स की जरूरत न दवा की, अब आएगा छींकने का मजा। लगता है अमीर मेडिसिन का अभी भी सर्दी से बुरा हाल है, पर उसकी मदद के लिए तो नर्स हाजिर है। ओह क्या हाल हो गया है हमारा, हमारी नाक का हाल तो देखो। हमें टिश्यू दो अभी। अयो, ये क्या, टिश्यू सारा खत्म भी हो गया? रुक जाओ, लो इससे पोंछो। पैसा से कोई नाक पोंछता है क्या? अरे आइडिया। अरे वाह, नर्स को शानदार आइडिया आया है, उसने मेडिसिन की नाक के लिए नोटों से डायपर बना दिया है। वाह, काम करता है ये, बेहतरीन। ओह, पेट में चूहे कूद रहे हैं। चलो खाना आ गया। खाना आ गया है, चलो तुम्हारा बोल उठाओ। क्या कहा? इयू, ये सब क्या है? नहीं, मैं ये नहीं खा सकती। मत खाओ, बस भूखी रहो। ओ प्लीज मत जाओ। लो $1 ले लो, मुझे इसके बदले में कुछ अच्छा मिल सकता है। $1 के लिए? उसके बदले मैं तुम्हें ये दे सकती हूँ, ये किसी को नहीं चाहिए। एक ककड़ी और उबला हुआ सॉसेज। एक मिनट, इसे भी खाने लायक बनाया जा सकता है। शार्लेट ककड़ी के किनारे काट रही है। आखिर ये करना क्या चाहती है? अब इसने ककड़ी को खोखला कर दिया है। मुझसे तुम नहीं बच सकते बच्चू। और सबसे आखिर में खोखली ककड़ी के अंदर डाला सॉसेज, और अब बस उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है और तैयार हो गई बढ़िया सुशी। शार्लेट चॉपस्टिक्स की जगह पेंसिल इस्तेमाल कर रही है। तुमने तो जापानियों को भी मात दे दी। सच मजा आ गया। क्या, ये क्या वाहियात चीज है? क्यों, पसंद नहीं आया क्या? ये लो, कुछ पैसे ले लो, कुछ लज्जतदार बनाओ। ठीक है, रुकिए। कुक मेडिसिन के लिए स्पेशल सुशी बना रही है और समुद्री घास की जगह वो सुनहरा चावल और पैसे इस्तेमाल कर रही है। वो तो मेडिसिन को अपनी पसंदीदा चीजें चुनने को भी दे रही है। हमें चाहिए कुछ हीरे, कुछ स्किटल्स और थोड़े से स्निकर्स भी। ये काफी दिलचस्प लग रहा है। मेडिसिन बहुत खुश है, पर कुक सब कुछ साथ में रोल करने की कोशिश कर रही है, पर मेडिसिन पैसों से बने पॉम-पॉम से उसका हौसला बढ़ा रही है। हमारे पेट में हाथ ही कूद रहे हैं। चलो तुम कर सकती हो, कर सकती हो, गो गो गो। आखिरकार बन गई हीरो वाली शानदार सुशी। वाह बढ़िया दिख रही है, हम खा कर देखते हैं। यम्मी।
शार्लेट बहुत ही गहरी नींद में है। ये भी कोई चॉकलेट हुई? जबकि उसका पड़ोसी चॉकलेट्स खा रहा है, पर उसके भी नखरे कम नहीं है। छी। ये क्या है? अरे वाह, ये तो चॉकलेट है। वाह, क्या सुगंध है, मजा आ गया। मुझे एक और दोगे प्लीज? छी, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? ओ नो, ये क्या हुआ? पर ये क्यों हुआ? मुझे वो डिब्बा दिखाओ। ये क्या, बेरीज वाली चॉकलेट? मुझे बेरीज से एलर्जी है। अरे ये तो फेस मास्क की जगह गोभी का पत्ता इस्तेमाल कर रही है। उम्मीद है इससे काम बन जाएगा। देखूं? हाँ, हो गई मैं फिर से फेयर एंड लवली। मैं गोभी खाता नहीं, इसने तो चेहरे पर रख ली। नर्स, हमारी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। हमारे पास आपके लिए बढ़िया दवाई है, तुम ये लेने का। ठीक है, काफी अजीब सा स्वाद है, इससे काम हो जाना चाहिए। अयो, ये क्या हो गया जी? आखिर बात क्या है? मेडिसिन के चेहरे पर कितनी एलर्जी हो गई है। बेचारी मेडिसिन, शायद उसे दवाई से एलर्जी थी। इसे ठीक करो अभी। अयो, एक मिनट मैडम, सोना। हाँ, हमें अपना चैन देने का मैडम। क्या? नर्स को पता है कि मेडिसिन का चेहरा कैसे ठीक किया जा सकता है। हम अभी आता है मैडम। उसे जरूरत थी बस कुछ सोने की। हमारे सुंदर चेहरे का क्या हाल हो गया? हम आपके लिए सोने का मास्क लाया है मैडम, इससे आप ठीक हो जाएगा। लो, इसे अपनी आंखों पर रख कर सिक्के रख लो। अब रिलैक्स करो। देखते हैं मास्क ने असर किया कि नहीं, नहीं तो मेडिसिन अस्पताल में तहलका मचा देगी। अरे वाह, हाँ, हमारा सुंदर नूर भरा चेहरा।